नाउ आगे देखिए इसके कि इट इज फाउंड इन एवरी सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट. नेक्स्ट इज इसमें थिन सेल वॉल होती है. कैसी सेल वॉल है? कंसिस्ट. तो ये हमने बनाई नहीं है क्योंकि अगर हम थिन सेल वॉल बनाएंगे, ये ऐसी सेल वॉल है कि समझो कि सेलुलर मेम्ब्रेन पे गिर रही है, बस हल्की हल्की अभी शुरू हुई है, तो अभी ज़्यादा बनी नहीं है, सेलुलर मेम्ब्रेन से डिटैच हुई है, लेकिन उसी के साथ ही साथ है. सो इट कंसिस्ट्स ऑफ थिन सेल वॉल. आगे वाले में सेल वॉल होगी. आपके बुक में भी देखो बहुत ज़्यादा सेल वॉल का ऐसा कुछ है नहीं, तो अगर सेल वॉल बनानी भी है तो इसके साथ साथ बना दो, मतलब ऐसे बना दो. समझ में आई बात की नहीं? ये जिससे जगह बची रहे, तो ये ओके, तो सेल वॉल भी हो जाएगी. समझ में आ गई बात? सो ये थिन सेल वॉल है. इट कंसिस्ट ऑफ थिन सेल वॉल एंड विच इज मेड अप ऑफ सेल वॉल किसकी होती है? मेड ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज आप जानते हो, कभी देखा है क्या? कभी कॉटन देखा है आपने? रुई. यस सर. द प्लांट ऑफ कॉटन. तो जो कॉटन है वो 99% सेलुलोज है, बाकी ये जो लकड़ी है, प्लांट में भी होता है ना? क्या प्लांट? सब प्लांट, जितने भी प्लांट है ये सेलुलॉइड वर्ल्ड है. जितना भी घास है सब कुछ है. खीरा 97% सेलुलोज है. हम लोग सेलुलोज पचा नहीं सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है जब ग्लूकोज बिल्कुल डेंस हो जाता है, उसका पानी उड़ जाता है, तो क्या बनता है? स्टार्च. क्या उसी तरीके से ग्लूकोज अगर डेंस हो जाए तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बदल जाए तो सेलुलोज भी बनता है. ग्लूकोज से ही दोनों बनते हैं, तो सेलुलोज बनता है. और सेलुलोज की क्या? डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स. हाँ यस, सेलुलोज कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स. जो ये गाय है, बैल, ये सारे जो जानवर हैं जो घास खाते हैं, तो वो सारे लोग, क्योंकि ये सारी घास क्या है, क्या सेलुलोइज है, इनमें खूब सेलवाल है. yes, तो वो वास्तव में सेलवाल पचा लेते हैं. तो वो अगर कपड़ा भी खाएंगे, गाय कपड़ा खाती है तो उससे एनर्जी पा सकती है, लेकिन हम लोग कपड़ा खाएंगे तो क्या चल फिर पाएंगे? गाय खा सकती है. तो इट कंसिस्ट ऑफ, जैसे हम लोगों ने बताया था ना कि कल 9 मीटर लंबी हम लोगों की वो होती है डाइजेस्टिव ट्रैक, फूड पाइप का टोटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, उनमें 50-50 मीटर तक लंबा होता है. तो क्या पचा लेंगे जब इतना बड़ा होगा डाइजेस्टिव ट्रैक? सो इसमें सेल वॉल किसकी बनी है बताइए? सेलुलोज की. और सेलुलोज खुद किसका बना है? तो ये ध्यान रखिएगा कि सेलुलोज एंड जो स्टार्च है वो किसका फॉर्म है बताइए? दीज आर कंडेंस्ड फॉर्म. ये इससे लेना देना नहीं है, ये जो हम लोग लिख रहे हैं पेरेंट टाइम में, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ. इट इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज खुद क्या होता है? C6H12O6. ये बाकी इसी में से पानी निकल जाए तो ये बनता है. तो वाटर का फार्मूला किसी को पता है? H2O. बताओ कि नहीं मालूम? अभी वाटर का फार्मूला मालूम है कि H2O होता है वाटर? यस सर. तो अब इसमें से अगर एक वाटर निकाल दो, C6H12O6 में से एक वाटर निकल जाए, C6H10O5, और ये बहुत सारे एक साथ जुड़ जाएं, जहां N की वैल्यू 1000 हो, एक साथ सब चिपक जाएं, तो ये स्टार्च बन जाएगा. ये क्या बन जाएगा? और ये क्या था बताओ? ग्लूकोज में से ये निकल जाए, N ग्लूकोज, यानी 1000 ग्लूकोज में से सभी में से एक एक वाटर निकले, तो क्या होगा? क्या एक स्टार्च का मॉलिक्यूल तब बनेगा क्योंकि सब चिपक गए? तो ये बना स्टार्च. यही फार्मूला किसका है? क्या यही सेलुलोज का भी है? तो ये जस्ट हमने आपको बता दिया कि ग्लूकोज से ही स्टार्च बनता है, तो सेल वॉल इसकी है. अच्छा, ये सारी चीजें हैं. क्या अनुराग आप मुझे कुछ फीचर्स बता सकते हैं पेरेन्काइमा का? सर किसका? पेरेन्काइमा का. सर इट इज अ पैकिंग टिश्यू.
It is very less in a specialized tissue. It has intercellular space. It is found in every soft part of plant. Consists of thin cells, walls, which is made up of cells. अच्छा ये चीज हो गई। अब आपने जो बताया वास्तव में ये सेल इस तरीके की है, ये थोड़ी लंबी लंबी है यानी ऐसी और इस तरीके से। अब मान लो अगर मैं इसको कट करूं ऐसी है और ये सारी ऐसी ऐसी हैं, और इनमें क्या क्या है, क्या इनमें अब यहाँ पर एक सेल वॉल भी है तो सेल वॉल भी होगी ऐसे ऐसे, ये सेल वॉल हो गई, फिर दूसरे की भी सेल वॉल होगी और फिर इसकी भी सेल वॉल होगी। उसके ठीक नीचे का फिगर देखो, अभी अभी वो डायग्राम चल ही रहा है ये, तो ये बात हो गई। नीचे का देख रहे हो, कौन सा फिगर देखें? ये देखो, उसी को मैं अब लेंथ वाइज कट करूंगा। ये तो हमारे में है, ये है और ये नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी दीज आर द टिश्यू, ये वाला डायग्राम है। तो ये अगर है तो फिर इसके लिए जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें पैरेन्काइमा पोलेन्काइमा सब कुछ बताया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा जान लेते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैं 11 ट्वेल्थ की बायो पढ़ाता हूँ, तो उसमें ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा सा जान लो। ओके, नहीं है तो फिर मैं पूछूंगा नहीं, फिर भी जान लो। ओके, तो ये थोड़ा सा क्या है कि ये कोरोना की वजह से हो सकता है बुक से सिलेबस हटा हो तो हटा दिया हो, या कोई बात होगी। तो अब ज़रा देखो कि इनमें क्या होता है, क्या वैक्यूल बहुत बड़ा होता है प्लांट में? Yes. और फिर जो बाकी साइटोप्लाज्म है वो सिर्फ किनारे किनारे क्या? देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसी में न्यूक्लियस भी होगा कहीं ऐसे, इसमें भी क्या होगा कि ये सब बीच में क्या है, क्या बीच में वैक्यूल है? और किनारे किनारे क्या है, क्या साइटोप्लाज्म है? और उसमें और सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे, तो ये सभी में ऐसा होगा। अब अगर कोई इसको चाकू से जो है लेटरली कट करे, ऐसे कट कर दे, तो क्या यही चीज मिलेगी उसको? ऐसे कट कर दे ऐसे। और अगर ये लंबाई में कट करे, गाजर को अगर तुम सीधा भी कट कर सकते हो, मूली को ऐसे तिरछा तिरछा भी कट करते हो, तो किसमें लंबे पीस निकलते हैं? अगर तिरछा तिरछा कट करोगे तो लंबे लंबे पीस निकलते हैं कि नहीं? तो इस तरीके से इसको अगर हमारी जो सेल है इसको मैंने ऐसे कट किया, क्योंकि इस सेल का एक्चुअल शेप कैसा है, क्या इस सेल का एक्चुअल शेप ऐसा है? बोलो बताइए, ये सेल वाले बोलो अनुराग। ब्लू कलर का ये इसमें ये न्यूक्लियस है और बीच में वैक्यूल है, और ये सेल वाल है, और ये जो मैं डॉटेड बना रहा हूँ ये क्या है? साइटोप्लाज्म। अच्छा, एक्चुअल साइज इसका कैसा है, क्या इट इज ये इस तरीके से लेंथ वाइज है क्या? ये इट इज नॉट राउंड, सबसे बड़ी बात क्या है, ये कैसी है? इट इज नॉट ओवल राउंड, और बहुत ज्यादा ओवल है, इसका मतलब है सिलेंड्रिकल है ये। लगभग कैसी है? सिलेंड्रिकल। तो अगर अब इस सेल को ऐसे कट कर दे कोई, तो क्या यही फिगर बनेगा? क्योंकि कोई ऐसे कट कर दे और कोई ऐसे कट करे इसको, तो कैसा बनेगा? तब पूरी सेल दिखेगी, तो पूरी दिख रही कि नहीं? तो इस तरीके से हमने देख लिया कि इट इज सिलिंड्रिकल सेल्स। अच्छा, अब आगे देखिए, क्या आपके में सिंपल परमानेंट टिश्यू टॉपिक ही हटा दिया है कि वो लिखा है? कौन से पेज पे?
ये 6.2.2 70 पेज तो लिखा है ना सिंपल परमानेंट, तो हम उसी को देख रहे हैं, इट इज सिंपल परमानेंट। समझ में आ गया पहला केस। अब उसी में नीचे और देखो तो इसमें क्या होता है कि इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, ये क्या करता है प्लांट को सपोर्ट करता है, और इसके वैक्यूल में क्या होगा, क्या फूड स्टोर रहेगा? Yes, तो इट प्रोवाइड्स कहीं पर भी होगा, तो जैसे किसका लिखवा रहे हैं? अच्छा पैरेन्काइमा का लिखा है, हमारे पास थ्री डिफरेंट हैं, कौन कौन सी बताइए आपको, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्लेरेन्काइमा, पहले तीनों को अलग अलग लिखेंगे, बिल्कुल यही चीज हम इनके डिफरेंस में लिख देंगे, जो अभी आप पढ़ रहे हो ना वही इनका डिफरेंस होगा। अच्छा सबसे पीछे चले जाओ एक्सरसाइज में, क्या एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आपके में दिया गया है, जरा पढ़िए फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड स्लेरेन्काइमा, फोर्थ बोलो। yes, तो फिर हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बुक में जब क्वेश्चन है तो पढ़ना पड़ेगा, है बात कि नहीं? yes, तो अब ये हमने देख लिया, क्या जैसे अगर आपका सामान आता है अमेजन से तो उसमें उसके डिब्बे की सारी अहमियत है कि उसके बीच में जो थर्माकोल भरा है या फोम उसकी भी कुछ अहमियत है, वो भी सामान को कुछ स्ट्रेंथ देता है, बताइए स्ट्रेंथ देता है कि नहीं पैकिंग को, तो इसलिए जो पैरेन्काइमा है वो भी तो इसको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है, दे रहा है कि नहीं, वो उसकी पैकिंग कर रहा है, तो पैकिंग की वजह से प्लांट में स्ट्रेंथ है। कोई भी अगर आप फ्रूट पकड़ लो, सेब, सेब कुछ स्ट्रांग होता है पकड़ने में, कैसे दब जाएगा, दब तो नहीं जाएगा, तो उसकी पूरी पैकिंग किसने कर रखी है, क्या पैरेन्काइमा ने? टोमेटो की टोटल पैकिंग किसने कर रखी है, खीरे की टोटल पैकिंग किसने कर रखी है, पैरेन्काइमा ने, तो स्ट्रेंथ तो दे रहा है ना। अगर लौकी से ही किसी को मार दो तो क्या चोट नहीं लगेगी, बोलो पैरेन्काइमा से मारा है कि लग जाएगी, लगती है। तो इस तरीके से इट गिव्स, ये क्या करता है, इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट, टू प्लांट। अच्छा एक चीज और लिख लो, ये जो हमने काटा है ये हमने हॉरिजेंटली काटा है, इसलिए इसको लिखो लेटरल सेक्शन ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू, कैसा सेक्शन है, लेटरल सेक्शन, अगर हॉरिजेंटली कट किया जाएगा तो लेटरल सेक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, और ये अगर लेंथ वाइज करा जाएगा लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल, सो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, वो लेटरल है, हॉरिजेंटली कट कर दिया ऐसे और ये लेंथ वाइज है, तो ये क्या हुआ लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, ये लिखा लेटरल सेक्शन, और ये क्या लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। अच्छा इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट इफ इट कंटेन्स, क्या ऐसे भी आपने देखे हैं पैकिंग जिसमें कभी कभी क्लोरोफिल पाया जाता है, कुछ हरी सब्जियां भी होती हैं जैसे ग्रीन कुकुम्बर, उनमें क्लोरोफिल है, If it contains chlorophyll, then तब इसे क्या कहेंगे? सर ये तो सब में। भाई सब में हो सकता है, अब जैसे कुछ ऐसे फ्रूट्स हो जो बिल्कुल रेड हो तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, टोमेटो है उसमें नहीं होगा, उसमें कुछ और होगा, प्लास्टिक्स होंगे रेड कलर के प्लास्टिक्स। सर आपने रेडो प्लांट बोलो, रेडो प्लांट में कौन से रेड है लेकिन वो क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल का कलर क्या है, जो पैकिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ग्रीन है तो ऐसे जो ऐसी जगह है जहाँ पर जैसे लीफ में भी क्या होता है पैरेन्काइमा होगा लीफ की पैकिंग में, तो उसमें क्लोरोफिल भरा हुआ है, लीफ भी पैडी होती है, गद्देदार लीफ देखी है, ऐसी कुछ होती है बहुत मोटी मोटी लीफ होती है, तो उनमें भी तो पैरेन्काइमा है, तो अगर क्लोरोफिल है तब इसका क्या नाम होगा, अभी बता रहा हूँ, सो देन इट इज कॉल्ड, तब इसे क्या कहेंगे, नाउ इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट, इट
यदि इसमें क्लोरोफिल है तब इसे क्या कहेंगे, तब इसको कहेंगे क्लोरेनकाइमा। तब क्या कहेंगे, क्लोरेनकाइमा। एंड इट डज, तब ये क्या करेगा, क्या फोटोसिंथेसिस करेगा? अच्छा एक चीज और देख लो आगे बढ़ने से पहले कि सेक्शन ऑफ लीफ। तो हम लोग देखेंगे कि वास्तव में लीफ होती कैसे है। तो देखो लीफ के अंदर क्या क्या होता है। As one of the principal factories of the world, because it is the organ in which photosynthesis occurs. It is also the organ. अब देखो इसका सेक्शन देखो कैसा होगा। Such as fats and proteins are formed. These substances eventually become the food of all other living organisms, either directly or indirectly. Let us see section. And the leaf be arranged in a way that prevents overlapping of the leaf surfaces. Facilitates maximum exposure to light. In the leaves of some plants, like grasses and maize, और आगे देखते हैं, ये देखो, waterproof substance called now, अब जरा देखो, every leaf क्या has a branching network of tubes which इन सब में जाइलम है, ये जो पानी पहुंचा रहा है, all the cells and the sugar products of photosynthesis, और शुगर वापस जा रही है, देखो शुगर जा रही है, ये बताओ, अच्छा एक मिनट, हाँ ये क्या है सेक्शन ऑफ लीफ। अगर एक लीफ को काट के माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये बीच बीच में आपको क्या दिख रहा है बताओ, क्या ये सब पेरेनकाइमा है? ये पेरेनकाइमा है, और इसके ऊपर और नीचे ये एक एपिडर्मिस है, बाहर की त्वचा, डर्मिस का मतलब स्किन, तो ऊपर नीचे एपिडर्मिस है, और नीचे इसमें स्टोमेटा है जिससे ये सांस लेता है या गैसेस एक्सचेंज करता है, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे सेक्शन ऑफ लीफ, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम फिर दिखाएंगे अनुराग, अब देखो ये एपिडर्मिस आउटर स्किन, इसमें वैक्स होता है जिससे इंसेक्ट इसको खा ना सके। अच्छा ये इसमें सबसे लीफ में नीचे होती है, ये देखो बंद हो गई, अभी ये ओपन थी अभी बंद हो गई, ये स्टोमेटा है। बोलो, इसमें जो ओपनिंग है वो स्टोमेटा है, इससे ये सांस लेता है प्लांट, यानी CO2 या O2 का एक्सचेंज है, या वाटर वेपर निकालना वो इससे करता है। ये लीफ में नीचे होगी कि ऊपर, क्योंकि ऊपर होगी तो धूल जम जाएगी तो ये सांस नहीं ले पाएगा, इसलिए इसमें स्टोमेटा कहाँ बनाया गया है। अब देखो in the gut cells, water will enter into it by osmosis. As the cells become turgid, the part of the cell with the liquid will expand as much as the other side. So the pair of gut cells is pulled apart and the stoma opens. The mesophyll tissue is an internal part of the leaf. ये mesophyll है, बीच का टिश्यू, mesophyll tissue. It consists of two layers, the palisade mesophyll, ये स्पॉन्जी मेसोफिल ही जो है पेरेनकाइमा है। अच्छा अभी ये आपको समझ में आ गया कि पेरेनकाइमा क्या होता है, बोलो कि मतलब लीफ में भी होता है ना, ये दिखा दिया आपको। अब आगे देखो, अब और आपकी बुक में क्या लिखा है, अगर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, क्या कॉलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, बोलो। तो पेरेनकाइमा में ये क्या बताया गया कि दिस इज इफ इट कंटेन्स क्या होगा क्लोरोफिल तो इसे क्लोरेनकाइमा कहेंगे, पेरेनकाइमा ही कोई क्लोरेनकाइमा। कभी कभी ऐसी चीज देखी है कि जो पानी में तैरती रहती है, कमल पत्तियों में तैरता रहता है, मालूम है कमल का फूल देखा है, उसके नीचे एक लीफ होती है कि कभी नहीं देखा है,
तो दोज लीफ विच फ्लोट ऑन वाटर, ऐसी लीव्स है ना जो पानी में तैरती रहती, पानी के ऊपर पत्ती तो तैरती देखी है, तो उनमें एयर ज्यादा है और उस वजह से उसे क्या कहेंगे, क्या एरन काइमा, पढ़ लो आखिरी से दूसरी तीसरी लाइन, उसे क्या कहेंगे अगर एयर ज्यादा है, दूसरी लाइन में लिखा है। सो इफ जो लीफ है वो कहाँ तैर रही है, फ्लोट्स, या लीफ हो या प्लांट हो, प्लांट फ्लोट्स ऑन वाटर, देन इट्स वैक्यूल आर लार्जर, इसके वैक्यूल्स कैसे होंगे, आर लार्जर एंड, वैक्यूल्स का मतलब है इट इज फिल्ड विद एयर, वैक्यूल में हवा भरी होगी, फिल्ड विद, और पैरेन्काइमा के बीच में भी गैप बहुत सारा होगा, इंटरसेलुलर स्पेस, तो इस वजह से। अच्छा पॉज हो गई है सर, पहले थी अब ब्लर क्या, अभी ठीक है कि नहीं? है सर, ब्लर हो गई है। अच्छा, एक मिनट, नाउ तो ऐसे में क्या कहेंगे इसको, अगर पानी में तैर रही है तो क्या कहेंगे, हाँ, देन इट इज कॉल्ड, ठीक है, इफ लीव, हाँ, एरन काइमा बोलो बेटा, लास्ट की सेकंड लाइन पढ़ो, अगर प्लांट पानी में तैर रहा है तो क्या उसमें एयर होगी बहुत सारी, सर कौन सा पेज नंबर सर, ये आपका तीसरा पेज है, सबसे नीचे की लाइन, पेज नंबर 70 में, तीस लास्ट की लाइन, ये वाला पेज, तो उसे क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एरन काइमा, अगर उसमें हवा भरी है तो क्या उसे पौधों को तैरने में आसानी होगी, बोलिए, प्लांट फ्लोट्स ऑन वाटर, तो इसमें वैक्यूल्स होंगे एंड दीज आर लार्जर फिल्ड विद स्पेस या एयर, एंड देन इट इज कॉल्ड, तब क्या कहोगे, नहीं क्लोरेन काइमा तो क्लोरोफिल भरा होगा, तब कहोगे जब एयर भरी होगी, तब क्या कहोगे, नो अभी तो पेरेन काइमा ही है चल रहा है, अभी कहाँ उस पे पहुंच गए, पेरेन काइमा पे ही रहो, उसी पेरेन काइमा के अलग अलग नाम है, अगर क्लोरोफिल भरा है तो क्लोरेन काइमा, एयर भरी है तो क्या कहोगे, एरेन काइमा, देखो लिखा है उसमें, स्पेलिंग पढ़ो, एरेन काइमा, दिखाई पड़ा कि नहीं बुक में, कि एयर भरी है तो क्या कहेंगे, इट इज एरेन काइमा, तो इतनी बात हो गई, ये सारी चीज आपको हमने पेरेन काइमा के बारे में बताई, कि मेरे बुक में नहीं है, अच्छा नई बुक में ये लिखा, नहीं लिखा नई बुक में, 70 पेज नंबर पे सर, सेकंड पैराग्राफ, हाँ लास्ट में देखो, सेकंड लास्ट लाइन है 70 पेज की, सो इट इज कॉल्ड एरेन काइमा, दिस मच इज देयर, ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे कि बाकी जो दो बच्चे हैं कौन कौन से बच्चे, कॉलन काइमा और स्लेरन काइमा, सो इसको हम लोग कल देखेंगे, ओके, इतना आप नोट कर लो।